सो ही गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो गाइज, आज मैं काफ़ी जल्दी उठ चुकी हूँ, तो पहले मैं आपको ना अपने घर का बाहर का व्यू बताती हूँ, जो कि बहुत ही सुंदर व्यू है। मैं अभी आपको बताती हूँ। तो गाइज, आप पहले ये देखिए, मेरे मम्मा के छोटे छोटे से प्लांट्स जो अभी ग्रो कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। एंड देन ये बाहर का व्यू, इतना सुंदर व्यू लग रहा है ना, ओ माई गॉड। और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, राजौरी का मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा गाइज। और राजौरी में ना ये वाला जो मंदिर है, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, दूधाधारी आश्रम ये वाला। तो गाइज, आपने देखा बाहर का व्यू बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। और आज ना मौसम भी मुझे थोड़ा ठीक ही लग रहा है, मतलब अच्छा अच्छा मौसम सा लग रहा है। तो गाइज़, मैं जस्ट अभी रेडी होती हूँ, देन आपसे मिलती हूँ। आज वीडियो में बहुत कुछ आने वाला है, मेरे पार्सल्स आने हैं, वो भी मैंने ओपन करने हैं। एंड देन ना एक मैगी की जो रेसिपी है वो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। और मैं भी ट्राई करूँगी कि मतलब कैसे बनेगी वो, मतलब थोड़ा अजीब सी लग रही थी, वो देखती हूँ कैसे बनती है। एंड देन वो भी शेयर करूँगी। एंड देन उसके बाद गाइज, अभी जस्ट नहा के शावर लेके देन आपसे मिलती हूँ। सो ही गाइज, मैं भी नहा के आई हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ अपना स्किन केयर भी शेयर कर देती हूँ। तो अभी सबसे पहले मैं टोनर के लिए, ये इजन ट्रिक का टोनर है, हाइलुरोनिक एसिड टोनर प्लस, अभी मैं ये यूज़ कर रही हूँ। अभी काफ़ी टाइम से मैं यही यूज़ कर रही हूँ, बस कुछ ड्रॉप्स ही आपको लेने होते हैं। देन हाथ में अच्छे से वॉर्म करके अपने स्किन पर अच्छे से अप्लाई कर देना होता है। और ये टोनर ना मुझे काफ़ी सूट भी कर रहा है, तो मुझे काफ़ी, मतलब मैं काफ़ी लाइक भी कर रही हूँ उस टोनर को। अब देखेंगे इसको लगाने के बाद ना एक नेचुरल ग्लो भी आ जाता है स्किन पे। तो मैंने सोचा कि अपनी स्किन केयर भी शेयर कर देती हूँ। और आज ना मैं सोच रही हूँ ब्रेकफास्ट में ना उत्पम बनाऊँ, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया कुछ साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट करे हुए, क्योंकि ऐसे मैं यूजुअली उपमा ये सब कुछ ज़्यादा खाती हूँ। बट अब मैं काफ़ी दिन हो गए हैं कि मैं जब से घर पे आई हूँ तो मैं कुछ खा नहीं रही हूँ। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैं लगाऊँगी सीरम, जो है वाइटामिन सी सीरम। तो इसके मैं कुछ, ये ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला, आप देख सकते हैं, इसके मैं कुछ ड्रॉप्स ही लूँगी। और मैं एक चीज़ करती हूँ कि मैं अपने हमेशा वाइटामिन सी सीरम को फ्रिज में रखती हूँ। अभी इतना चिल्ड हो चुका है, ठंडा ठंडा सा, तो इसको भी अच्छे से वॉर्म करके पैट पैट करूँगी स्किन पे। और ना एक चीज़ होती है, जैसे हम कभी वाइटामिन सी सीरम लगाते हैं ना, तो हमारी स्किन ना मतलब एक नेचुरल ग्लो भी आ जाता है हमारी स्किन पे। मतलब वाइटामिन सी ना ऑलमोस्ट क्या, सभी को सूट करता है वाइटामिन सी। तो हम कहाँ थे, कहाँ से कहाँ पहुँच गई मैं। तो ये लगा दिया। देन उसके बाद नेक्स्ट माई ऑल टाइम फेवरेट लोशन जो है क्लेयर्स का, तो मैं यूज़ करूँगी ये क्लेयर्स का लोशन थोड़ा सा। तो ये मुझे बहुत पसंद है लोशन, अगर आपने एक बार इसको ट्राई नहीं किया तो ज़रूर करिए जाके। मतलब इसके बिना मैं कुछ और सोच ही नहीं सकती, उस लोशन के बिना कि मैं सोचूँ कि मैं कुछ और लगा लूँ, नहीं हो ही नहीं सकता। ये मेरा फेवरेट 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 लोशन है, और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। और ना मैं हमेशा जब भी स्किन केयर करती हूँ ना, तो मैं क्या करती हूँ कि हमेशा, मतलब स्किन केयर करने के बाद अपनी स्किन को हमेशा हाथ से मसाज करती हूँ, ऐसे ऊपर वाली साइड अपलिफ्ट करती हूँ। क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज होती रहती है ना, तो आपको एजिंग का प्रोसेस चालू हो जाता है, तो इसलिए मैं हमेशा ऐसे तो करती रहती हूँ, ताकि स्किन थोड़ी सी ठीक रहे। और हमेशा अपने स्किन को ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन पे करना होता है, आप देख सकते हैं। ये मेरा हो गया है स्किन केयर। अब इसके बाद है लास्ट में जो मैं लगाती हूँ वो सनस्क्रीन। और गाइज, अगर आप घर पर भी हैं तो भी सनस्क्रीन लगाना ना भूलें, सनस्क्रीन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी स्किन केयर का, तो इसलिए सनस्क्रीन लगाना कुर्दी ना भूलें। अच्छे से पूरे फेस पे स्प्रेड करना पड़ेगा। तो गाइज, मैं आपके साथ क्या शेयर कर रही थी कि मैं आज ब्रेकफास्ट में उत्पम बनाऊंगी, और मुझे उत्पम बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। और मैं उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं उत्पम कैसे बनाती हूँ। बहुत सारे तरीके होते हैं उत्पम बनाने के, बट जैसे मैं बनाती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आप देख सकते हैं कि मैंने सब कुछ अपने स्किन पर अप्लाई कर दिया। और लास्ट में एंड करूँगी अपनी लिप लव चेरी लिप बाम के लिए। अरे खुल जा, ओ ये खुल नहीं रहा है, जा खुल गया। और मैंने इसका जो फ्लेवर है वो है कैरमल लिप लव, लैक्मे का लिप लव है ये। तो इसका जो
शेड है वो है कैरेमल, तो ये यूज़ कर रही हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं कि आई एम ऑल सेट। तो गाइस कुछ चीज़ बता दूँ, आप अपनी स्किन का जितना मर्जी ध्यान रखिए बट हाइड्रेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है तो काफ़ी हीट प्रोड्यूस हो रही है बॉडी में। तो कोशिश करिए जितना हो सके उतना पानी पीजिए। अगर आप सादा पानी नहीं पी सकते तो डिटॉक्स वाटर बनाइए या फिर नारियल पानी पीजिए, कुछ भी पीजिए, बट अपनी बॉडी को जितना हो सके हाइड्रेट करिए। तो मैं भी बातें नहीं करती हूँ, अपना हाइड्रेट कर लेती हूँ। तो गाइज ये था मेरा छोटू सा स्किन केयर। चलिए अब सीधा ब्रेकफास्ट में मिलते हो आपसे। गाइज मैं अपने किचन में आ चुकी हूँ। सबसे पहले मैंने एक खाली बाउल ले लिया, इसके अंदर मैं डालूंगी सूजी। तो मैं जैसे 2 पर्सन के लिए बना रही हूँ तो मैं अपने अकॉर्डिंगली डालूंगी, जैसे 1 बड़ा स्पून सूजी का, एक नहीं। तो गाइज जैसे मैं 2 लोगों के लिए बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पे 3 ये वाले बड़े वाले स्पून सूजी के डाले हैं। देन उसके बाद मैं इसमें डालूंगी दही, एंड दही भी मैं अपने अकॉर्डिंगली 1 बड़ा टेबल स्पून, मतलब टेबल स्पून भी नहीं, करछी है ये, तो ये 2 डाल दिया मैंने। एक्चुअली मैं 3 डाल देती हूँ, 3 डाल दिया। देन मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, आप देख सकते हैं। एंड देन आप देखेंगे कि थोड़ा सा अगर ये वो हो गया तो आप हल्का सा पानी डाल सकते हैं इसके अंदर, एंड इसको अच्छे से मिक्स करके इसका बैटर बनाऊँगी। तो गाइज मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और ना मैं इसको थोड़ी देर के लिए रख लूँगी, 15 से 20 मिनट, क्योंकि जो सूजी होती है ना वो फूल जाती है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ी देर के लिए रख दूँगी ताकि जो सूजी है सारा दही और पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। एंड देन उसके बाद मैं अपने उत्पम बनाऊँगी। एंड इसके लिए नेक्स्ट मुझे थोड़ा सी वेजिटेबल्स चाहिए तो मैं वो भी प्रिपेयर कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं ये कर रही हूँ। तो गाइज आप देखेंगे ये बैटर कुछ ऐसा हो जाएगा, थोड़ा सा थिक और थोड़ा सा ऐसा। तो बस इसको मैं अब 15 से 20 मिनट्स के लिए साइड पे रख दूंगी, एंड देन अब मैं चॉप करती हूँ अपनी वेज। इस प्याज काटते करते बहुत ज़्यादा आंसू हो गया मुझे, तो हाँ मुझे कमेंट करके बताना, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको प्याज काटते करते कितना ज़्यादा आई वेटी होती है। मेरी तो बहुत होती है। तो अब मैंने प्याज काट दिया, अब मैं टमाटर काटने लगी हूँ। और ओ गॉड मेरी आईज जल रही है, लिटरली जल रही है बहुत ज़्यादा। तो ठीक है गाइस, मेरी ना वेजेस चॉप हो चुकी हैं। ये रहे टमाटो एंड ये रहे अनियन एंड ग्रीन चिली। अब जब 15 मिनट के बाद वो उत्पम का बैटर रेडी हो जाएगा, सो मैंने ना अभी वेजेस सारी चॉप कर ली हैं तो वो मैंने रख दी है। देन उसके बाद अभी वो बैटर तैयार होगा उत्पम वाला, देन मैं उसमें वेजेस डालूंगी, फिर पूरा मिक्सचर बनाऊंगी अच्छे से। तो नारियल पानी मैं पी चुकी थी, तो उसके बाद मेरा रूटीन रहता है ये भिगोए हुए बादाम खाने का, तो मैं इसको करती हूँ, फिनिश करती हूँ। देन उसके बाद अब तक वो उत्पम का भी हो जाएगा, देन आप उसकी रेसिपी शेयर करती हूँ कि कैसे बना। तो गाइज आप देख सकते हैं 15 मिनट बाद सूजी ने सारा दही और जो पानी डाला था ना वो सोख लिया, कितनी हार्ड हो गई है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे अपनी सारी वेजेस जो मैंने कट की थी। सबसे पहले ये अनियन डालूंगी मैं, एंड देन उसके बाद टमाटो। तो गाइज मैंने इसके अंदर अपनी सारी वेजेस डाल दी हैं और वेजेस को मैं अब अच्छे से इस सूजी के बैटर में कोट कर दूंगी, बट ये बहुत ज़्यादा थिक है तो हम इसमें हल्का सा पानी डालेंगे ताकि हम इसका हल्का सा पतला सा बैटर बना पाएं। देन उसके बाद मिलते हैं आपसे। गाइज मैंने ना इसमें पानी डाल के इसके बैटर को हल्का हल्का सा पतला कर लिया है, बट अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले सॉल्ट, और सॉल्ट आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो ठीक है, और जैसे मुझे स्पाइसी पसंद है तो मैं रेड चिली भी डाल रही हूँ, और मैं थोड़ी सी तेज़ डालूंगी, बिल्कुल हल्की सी। और हाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अजवाइन, तो वो मैं डाल रही हूँ उसके अंदर 1 टीस्पून के लगभग, और मेरा जो टीस्पून होता है वो इतना होता है आप देख लीजिए। तो
तो गाइस ये सब कुछ मैंने डाल दिया और मैं अच्छे से इसको मिक्स करूँगी, देन उसके बाद मैं उत्पम बनाती हूँ। और ना हमको बैटर की जो कंसिस्टेंसी होती है ना वो कुछ ऐसी चाहिए, लाइक ना ज़्यादा वाटरी हो ना ज़्यादा थिक हो, बट मीडियम हो, ताकि हमारे जो बैटर है, जो हमारा उत्पम का बैटर है, वो अच्छे से पैन में स्टिक हो जाए और पतला पतला भी ना हो, तो इसलिए हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो गाइज़ मैंने अभी पैन ले लिया है, तो इस पैन में मैं सबसे पहले घी डाल रही हूँ और मैं घी से अच्छे से पैन को ज़्यादा भी नहीं डालना, बट हल्का सा पैन आपका ग्रीस हो जाए बस वैसे डालना होता है आपको। जब पैन हल्का सा ग्रीस हो जाएगा और जब पैन गर्म हो जाएगा, पैन अभी गर्म नहीं हुआ अच्छे से, तो गाइज़ पैन हमारा ना अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर अपना बैटर डालूँगी और आपको बैटर बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा डालना है ताकि ये चिपके ना, बिल्कुल हल्का हल्का सा। आप देख सकते हैं कि मैंने उत्पम को टर्न कर लिया है। टर्न करने के बाद इसको बिल्कुल हल्के हाथों से टर्न करना है, क्योंकि ये टूट जाते हैं बड़ी जल्दी, इसलिए आपको बिल्कुल हल्के हाथों से इसको टर्न करना है। तो ये रहा गाइस मेरा फर्स्ट उत्पम। गाइस अभी मैं सारे उत्पम बना लेती हूँ, देन आपसे मिलती हूँ। तो गाइस रेडी हो चुके हैं मेरे उत्पम, अब आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा टेस्ट है। तो हे गाइस बन चुके हैं मेरे उत्तपम, अब मैं ट्राई करके बताती हूँ कि कैसे बने हैं। वैसे हर बार सेम नहीं बनते हैं, ठीक है, कभी नमक ज़्यादा हो जाता है तो कभी मिर्ची ज़्यादा हो जाती है। हैट्स ऑफ टू दोज लेडीज़ जो किचन में खड़े होके इतनी गर्मी में खाना बना रहे हैं। वैसे मैं अपने आप को भी देना चाहूँगी, क्योंकि मैंने भी अभी खड़े होके खाना बनाया किचन में, बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है गाइस। तो ये रही फर्स्ट बाइट, और मैं आपको बता दूँ मैं हमेशा टमाटो केचप के साथ ही खाती हूँ। ग्रीन चटनी मुझे पसंद है बट इतनी नहीं, तो इसलिए हमेशा मैं टमाटो केचप के साथ ही खाती हूँ। तो मज़ा आ गया गाइज, बहुत टेस्टी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी, और मेरे तो वैसे भी फेवरेट है, मैं हमेशा ही बनाती हूँ जब भी मन चाहे मेरा, और बहुत ज़्यादा यम्मी, एकदम क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं गाइज। तो मैं अब अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय करती हूँ और इसके बाद मैं अपने पार्सल ओपन करूँगी आपके साथ, जो भी आ चुके हैं, पर मैं खा लेती हूँ फिर मैं पार्सल ओपन करती हूँ, देन आपसे मिलती हूँ। गाइज ब्रेकफास्ट मेरा हो चुका है, अब मेरे पार्सल आ चुके हैं, मैंने इनको ओपन पहले से ही कर लिया क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट होता है ओपन करने में। ये थे मेरे सारे पार्सल, तो मैं अब आपको ओपन करके बताती हूँ मैं वन बाय वन है क्या। सबसे पहले ये जो मैंने ओपन किया है इसे मैं बताती हूँ, मैंने ये सब कुछ मीशो से मंगवाया है, और सब प्रोडक्ट्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, अगर आपको इनमें से कुछ भी पसंद आता है आप वहाँ जाके बाय कर सकते हैं। तो गाइज़ ये है फर्स्ट कंटेनर, ये कांच के तीन कंटेनर है, और मैं आपको बता दूँ ये इनमें आप कुछ भी डाल सकते हो, लाइक आप इसको एज अ सर्विंग ट्रे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे हैं, तो गाइज़ ये कुछ ऐसा आया है और बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत प्यारा, और जो इसमें ये प्रिंट हो रखा है ना ये बहुत प्रिटी लग रहा है, ये इससे डिज़ाइन सा प्रिंट नहीं सॉरी डिज़ाइन सा, ये बहुत प्यारा लग रहा है। तो इसकी ये जो कैप है ये भी काफ़ी टाइट है, मतलब एयर टाइट कंटेनर होते हैं ना वैसा है कुछ, मतलब काफ़ी एयर टाइट है, तो आपकी अगर आप इसमें नट्स वगैरह डाल के भी रखते हो तो भी ख़राब नहीं होंगे। तो ये मैंने मीशो से मंगाया, मुझे प्राइस याद नहीं है, स्क्रीन पे दे दूँगी कितने के मंगवाए मैंने, और काफ़ी अच्छे, और इनकी ना जिनकी और इनकी जो क्वांटिटी इसमें पड़ेगी वो 350 ml है, मेरे हिसाब से वो बहुत ज़्यादा होती है। आप इसमें एज आप इसको पिकल कंटेनर भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ चटनी जार भी यूज़ कर सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा प्यारा और प्रिटी लग रहा है, आप देख सकते हैं गाइज़। एक ये है और इसमें ये तीन है, आप देख सकते हैं एक दो एंड ये तीन। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पार्सल में मैंने कुछ प्लास्टिक के कंटेनर्स ऑर्डर किए थे, ये पांच कंटेनर हैं आप देख सकते हैं, ये इनकी
क्वालिटी मुझे थोड़ी मतलब नॉट अप टू द मार्क बट ठीक है, मतलब एज पर प्राइस अगर आप देखें तो इनकी क्वालिटी काफ़ी है। मैंने ना ये ब्लू कलर में ऑर्डर किए थे बट मुझे पिंक कलर में रिसीव हुए, ये भी बहुत प्यारा कलर है, बेबी पिंक कलर, तो आप देख सकते हैं बॉक्स क्वालिटी ठीक है, इतनी बुरी भी नहीं है बट अच्छी, इतनी अच्छी भी नहीं है बट इतनी बुरी भी नहीं है, बहुत मतलब मीडियम की आप कह सकते हो। कुछ ऐसे कंटेनर है ये, मतलब ये सबसे बड़ा वाला कंटेनर है, ये सबसे बड़ा वाला कंटेनर है, देन उसके बाद फिर ये सेकंड कंटेनर, देन ये है थर्ड, देन फोर्थ, एंड जो फिफ्थ वाला वो इतना छोटा है और काफ़ी प्रिटी है, तो मैं इसको एज अ, मैंने इसको ऑर्डर किया था कि कभी कुछ सब्जियां वगैरह बच जाती हैं तो वो डालने के लिए, तो एक थी मेरी ये परचेज। देन उसके बाद नेक्स्ट आते हैं गाइज, नेक्स्ट ना मैंने कुछ वाटर बॉटल्स ऑर्डर करी हैं, आप देख सकते हैं ये हरे कलर में है, ब्लू कलर एंड देन ब्लैक, फिर उसके बाद पिंक कलर, अगेन ब्लैक, अगेन पिंक एंड देन ब्लू, ये खाली हो चुका है। तो गाइज पहले मैं बता दूँ इनकी क्वालिटी चेक करते हैं कैसी है, तो गाइज ये मुझे थोड़ा सा और ना ये जो थोड़ा सा फ्रॉस्टी लुक दे रखा है ना, तो ये बहुत प्यारा लग रहा है, और बॉटल की ठीक है क्वालिटी भी इतनी बुरी नहीं है बट ठीक है, और ये कैप है इसकी, और ठीक है गाइज अच्छी बॉटल है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने घर के लिए अगर पानी वगैरह फ्रिज में रखना है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी, आप देख सकते हैं प्यारी भी है काफ़ी। तो कलर्स, तीन कलर्स थे इसमें, पिंक, ब्लैक एंड ब्लू, और भी आई थिंक जो इनका मतलब जैसे ये फ्रॉस्टी लुक दे रहा है तो ऐसे और भी बहुत सारी लुक्स थे, लाइक थोड़ा सा स्पायरल वाला था एक, मतलब ऐसे था, तो आप अपनी चॉइस से मैं स्क्रीन पे दे दूँगी, आपको कुछ भी पसंद आता है तो आप ले सकते हैं जाके, बट मुझे थोड़ा सा स्क्वायर शेप थोड़ा पसंद आया था तो मैंने ये लिया, तो ये काफ़ी अच्छी है, और मुझे ये काफ़ी सस्ती पड़ी, आई थिंक 300 की है शायद, 6 बॉटल्स, प्राइस में दे दूँगी सारे। तो गाइज़ ये थी मेरी थोड़ी सी परचेज, तो गाइज़ अब थोड़ी देर में ना मैं वो मैगी की जो वायरल रेसिपी है ना वो आपके साथ शेयर करूँगी और टेस्ट करके बताऊँगी कैसी बनी है, मुझे ना मुझे बड़ा मतलब देख देख के जो हाँ मैं स्क्रॉल करती हूँ वही बार बार वही वही वीडियो दिखती है, तो मैंने कहा एक बार ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसे बनती है, और बड़ी अजीब सी रेसिपी है, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि कभी मैगी भी ऐसे बन सकती है, मतलब कोई उसको मैगी को ऐसे एक्सपेरिमेंट क्यों करेगा, तो बहुत इंटरेस्टिंग भी है आप कह सकते हो, बहुत एक्सपेरिमेंटल है, तो मैं अभी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करती हूँ, तो वीडियो में बने रहना और आप भी घर पर ट्राई करना और टेस्ट करके मुझे बताना कि आपको भी वो पसंद आएगी या नहीं, बट पहले मैं बनाऊंगी और मैं टेस्ट करूंगी आपके साथ और शेयर करूंगी उसके रिव्यूज़ की, वो इतनी ज़्यादा हाइप में है पता नहीं क्या है उसमें। चलो गाइज मिलते हैं आपसे। सो हे गाइज मैं आ गई हूँ अपनी किचन में, वो मैगी की रेसिपी शेयर करने में मेरे को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है वो मैगी बनाने की, तो अभी मैंने सारा सामान प्रिपेयर कर लिया, तो चलिए मैगी की रेसिपी शेयर करते हैं, और मैं वो वीडियो भी डाल दूंगी जो वायरल हो रही है, आप देख लेना कैसे बनी है, और मैं जैसे बना रही हूँ वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मुझसे बेटर मैगी कोई बना नहीं सकता, कुछ नहीं, मैगी को नॉर्मल डालो, मसाला डालो और मैगी डालो और थोड़ा सा उसको उबलने दो, उसके बाद उसके अंदर थोड़ा सा एक्स्ट्रा नमक डालो और अदरक लहसुन का पेस्ट डालो और हल्की सी लाल मिर्च, हल्की सी हल्दी, उसको उबलने दो उबलने दो उबलने दो, अच्छे से पक जाएगा, एंड में थोड़ा सा दो कच्ची चम्मच दूध डालो, आई नो इट्स शॉकिंग बट थोड़ा सा दूध डालो, उसका थोड़ा सा गाढ़ा क्रीमी टाइप बन जाएगा वो, उसके बाद उसको और थोड़ी देर पकने दो और उसके बाद एंड में मस्त एक स्लाइस बटर लो और उसके ऊपर डालो। तो गाइज सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया, देन उसके बाद मैं उसके अंदर पानी डाला है एक कप के अराउंड, तो अब इस पानी को उन्होंने बोला था बॉयल होने देना है, तो पहले इसको बॉयल होने देते हैं, पानी अच्छे से बॉईल हो चुका है, देन इसके बाद हमको इसके अंदर डालना है मसाला मैगी, गाइज आप देखेंगे जैसे ही मैगी बॉईल होने लगेगी हमें इसके अंदर डालना है नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, देन
रेड मिर्ची, देन हल्की सी हल्दी और इसको अच्छे से मिक्स करना है। और अब इसको पकने के लिए छोड़ दीजिए 2 से 3 मिनट्स तक। तो गाइस जैसे आप देखेंगे कि मैगी का पानी अच्छे से पूरा सूख रहा है ना, देन इसके अंदर हमें इसमें उन्होंने बोला कि 2 बड़े वाले स्पून दूध डालना है, तो ये मैंने डाल दिया इसके अंदर दूध। और अब इसको पकने देंगे 2 से 3 मिनट, जब तक मतलब दूध सारा मैगी को अच्छे से सोख नहीं लेता। तो गाइस जैसे हमारी मैगी दूध को अच्छे से सोख लेगी, हमें लास्ट में बटर डालना है इसके अंदर और उसको अच्छे से गैस को बंद कर देना है और इस बटर को अच्छे से मेल्ट करना है इसके अंदर। तो गाइस मैगी हमारी अच्छे से हो चुकी है मेल्ट, अब हम इसको सर्व करते हैं। तो गाइस मैगी मेरी बन के रेडी है एंड अब दिखने में तो मैं बोलूँगी ये नॉर्मल, थोड़ी सी क्रीमी और साइड पे लग रही है मैगी। वेट, दिखने में तो मैं बोलूँगी थोड़ी सी क्रीमी और साइड पे मैगी लग रही है एंड टेस्ट पे पता नहीं, अभी टेस्ट करते हैं एंड देन आपको बताते हैं। डर लग रहा है, कैसा टेस्ट होगा इसे ना, दूध की थोड़ी बदबू भी आ रही है मैगी में दूध। ये ना जैसे वो कोरियन मैगी है ना, एक चीज़ बुडलक करके चीज़ी मैगी है वैसी लग रही है सेम। गाइस एक बात आपको एक बात बताना चाहूँगी, मैगी वैसी टेस्ट नहीं कर रही है जैसे हमें पसंद होती है, लाइक बॉइल्ड प्रॉपर बॉइल्ड मैगी वैसा कुछ टेस्ट नहीं कर रही है। थोड़ा सा दूध डालने से ना मुझे इसका टेस्ट थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे, मतलब अगर मैं बोलूँगी मुझे मेरी प्लेन मैगी खानी है और ये खानी है तो मैं आई विल चूज़ माई प्लेन मैगी बिकॉज वो ज़्यादा टेस्टी है। ये मुझे मतलब कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं आई, मतलब नॉर्मली है, ठीक ठीक, इतनी टेस्टी भी नहीं है, बट मैं अपनी प्लेन मैगी वाली साइड जाना चाहूँगी। तो मैं बोलूँगी ये वायरल मैगी मेरे लिए बिल्कुल भी अब इग्नो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो जिनको तो पसंद आई वेल एंड गुड, जिसको नहीं आई तो वो मैं उनमें से मैं एक हूँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई ये मैगी पहली बात, क्योंकि मुझे ज़्यादा वो बटर दूध वो पसंद नहीं आ रहा, मतलब स्वाद मेरे को प्लेन मैगी सिंपल नमक मिर्च डाल के ज़्यादा पसंद आती है, ये वाली तो बिल्कुल भी नहीं, और ये मैं खा भी नहीं रही हूँ क्योंकि मुझे ये स्वाद नहीं आ रही है बिल्कुल भी। तो गाइज़ ये थी मेरी वायरल मैगी की रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो गाइज़ मिलूंगी आपसे न्यू व्लॉग में, तब तक प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।